कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ इंदौर के आजाद नगर पुलिस थाने में मूसाखेड़ी क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने ज्ञापन दिया और कमलनाथ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेता कमल यादव ने इस दौरान बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ विभिन्न तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और इसमें कोरोना काल में भ्रम फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। कभी सरकार के समक्ष कोरोना के आंकड़े छुपाने की बात की जाती है तो कभी आग लगाने वाले बयान कमलनाथ दे रहे हैं। कमलनाथ पर सख्त कार्रवाई के लिए भाजपा विभिन्न थानों में ज्ञापन दे रही है। इसी कड़ी में मूसाखेड़ी क्षेत्र के वार्ड नंबर 51 के पार्षद प्रतिनिधि कमल यादव, मंडल अध्यक्ष सुनील वर्मा, महामंत्री मलखान कटारिया और महामंत्री निक्की कटारिया ने आजाद नगर थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी को ज्ञापन दिया है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा है कि ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा और अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। बताइए यादव जी, आज ज्ञापन दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और तेज साहब ने यह कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। देखिए, जिस तरह से कमलनाथ जी जो है भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में, आज उसी के संदर्भ में हम जो है जगह जगह पर थानों पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें आज हमारे बहुत ही वरिष्ठ पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील वर्मा जी, महामंत्री हमारे मलखान कटारिया जी, महामंत्री हमारे निक्की कटारिया जी और हम लोग जो है चार लोगों ने जाकर इस ज्ञापन को दिया, क्योंकि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम लोग सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें, तो इसका पालन करते हुए हम लोगों ने जो है चार लोगों ने दिया है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस जिस तरह से झूठ फैलाई जा रही है, कुछ तो भी विषय को लेकर झूठ फैलाती है, जिस तरह से आग लगाना और बहुत सारे विषयों को लेकर जो है झूठ आंकड़ों के ऊपर दिया, जो कोरोना का आंकड़े छुपाने लेकर ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर जो झूठ बोल रही है, अगर यही काम अगर वो जनता के बीच में सेवा करे तो उनका कुछ बनता है, लेकिन वो जनता के बीच में सिर्फ झूठ फैलाकर झूठ रहकर काम नहीं कर रही। इसी तरह से आप देखेंगे देश से पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त होते जा रही है, उसका यही कारण है कि झूठ फैलाना, लोगों को भ्रम करना और उसी को विषय को लेकर आज हम जो है सभी लोग हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, उनके साथ आए हैं और थाने पर डीआई साहब को आज ज्ञापन दिया है और उनको निवेदन किया है कि कमलनाथ के ऊपर आप जो जाकर कार्रवाई करें और इस तरह के झूठ फैलाते हैं उनको सजा मिल सके। आपका नाम? कमल यादव, वार्ड क्रमांक का। सर, आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया है कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर अपना एक आवेदन प्रस्तुत किया है जो प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए है। इसको भ्रष्ट अधिकारी को हम लोग चर्चा करेंगे, अवगत करेंगे। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।